और अब लॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड्स पुस्तक से 15th रिकॉर्ड की बात करते हैं। अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी के भारतवंशियों के साथ मेलजोल का ही नतीजा है कि वे एकजुट हुए। इससे उनके वोट की ताकत बढ़ी और अमेरिकी चुनाव में इसका असर भी देखने को मिला। शायद इसी का असर है कि अमेरिका में साल 2017 में जो चुनाव हुए उसमें 20 भारतीय मूल के लोगों ने जीत हासिल की। वहीं अगले चुनाव के लिए भी अनेक लोगों ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका में भारतीयों की एकजुटता की धुरी पीएम मोदी उसी समय बन गए जब वे 2014 के सितंबर में पहली बार अमेरिका दौरे पर गए। गौरतलब है कि मोदी के प्रति भारतवंशियों की एकजुटता और लगाव को देखकर ही वहां के राजनीतिक दलों ने मोदी के नारों को अपना लिया। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने उनके टैगलाइन सबका साथ सबका विकास को अपना टैगलाइन बना लिया। भारतीय एकजुटता को देखकर ही ट्रंप नमस्ते और स्वागतम जैसे शब्दों का उपयोग करने लगे।